बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स किस तरह मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं, स्पेशली फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और कौन कौन से हार्मोन्स हैं लाइक गोनेडोट्रिफेनलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये हार्मोन्स किस तरह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे रेगुलेट करते हैं। तो होता क्या है कि इन रिस्पांस टू सिग्नल्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन में, मेल के ब्रेन में अगर हम इसको कंसिडर करें ब्रेन को, तो ब्रेन में हमारे जो सिक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बेसिकली वो दो किस्म के होते हैं। एक है हमारा हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है मास्टर ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। सो इन रिस्पांस टू स्टिमुलस, यहाँ पर हाइपोथैलेमस में जो माइक्रोन्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, यूँ समझ लें कि एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो कि कहलाता है गोनेडोट्रिफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रिफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचता है तो यहाँ पर इसका काम है गोनेडोट्रिपिन्स को रिलीज़ करवाना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से गोनेडोट्रिपिन्स पाए जाते हैं? एक होता है जनाब LH और दूसरा है FSH। LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इन रिस्पांस टू गोनेडोट्रिपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज होगा। तो सबसे पहले हार्मोन जो रिलीज होगा वो होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पहुंचेगा टेस्टिस में। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, इसको हम नॉमिनेट कर लेते हैं, ब्लड के थ्रू जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में पहुंचता है, तो यहाँ टेस्टिस की इनर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम के रेगुलेशन के हवाले से बेसिकली इसके दो पार्ट्स हम देखेंगे। एक होता है इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि यहाँ ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरा होता है कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द एक इंटरस्टीशियल स्पेस होती है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, इंटरस्टीशियल स्पेस होती है। इनमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं। इसके साथ साथ स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं, ये भी सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो कि बेसिकली मेल जर्म सेल्स स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा इंटरस्टीशियल स्पेस में कुछ लेडिक सेल्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू टेस्टिस में पहुँचता है, तो सबसे पहले ये इंटरस्टीशियल स्पेस में मौजूद जो लेडिक सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, और इन लेडिक सेल से एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि कहलाते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक ये बॉडी में मसल्स और बोन की ग्रोथ भी करता है, ये मेल के बहुत सारे सेकेंडरी करेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अलावा ये कुछ एक्सेसरी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक एक्सेसरी ग्लैंड पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहता है, उसके भी फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सो ये टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज़ होता है तो अगर इसके क्वांटिटी जो है अगर ये ऑप्टिमम रहे तो ये डिफरेंट जो हमने फंक्शन बताए कि ये फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे इसके लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ से एक नेगेटिव सिग्नल, दोबारा से एक नेगेटिव सिग्नल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो नेगेटिव सिग्नल होता है फॉर द स्टॉपेज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये नेगेटिव, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ेंगे तो यहाँ से दोबारा से एक सिग्नल रिसीव होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये जो सिग्नल होगा वो नेगेटिव फीडबैक सिग्नल होगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा अगेन एक सिग्नल हाइपोथैलेमस को मिलेगा, और इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में गोनेडोट्रिफिन रिलीजिंग हार्मोन दोबारा से रिलीज होगा। ये गोनेडोट्रिफिन रिलीजिंग हार्मोन दोबारा से पिट्यूटरी ग्लैंड में आके इस दफ़ा जो है एक और हार्मोन रिलीज करवाएगा जो कि कहलाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ब्लड में दोबारा से रिलीज होगा तो ये पहुंचेगा अगेन टेस्टिस में। तो ब्लड के थ्रू जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस में पहुंचेगा, नाउ दिस टाइम इट विल स्टिमुलेट, इट विल एक्ट एट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो कहलाता है सर्टोली सेल से एक हार्मोन जो रिलीज होगा वो कहलाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका काम क्या होता है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इन कम्बिनेशन विद द टेस्टोस्टेरोन, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर जाता है और ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट करते हैं थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, जो दोनों प्रोसेस हैं, इससे स्पर्मेटोगोनिया जो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, मेल जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरह जो है डिफरेंट हार्मोन्स लाइक स्पेशली फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो हैं एंड स्पेशली टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये जो पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो स्पर्म्स के जो प्रोडक्शन है उनको इंश्योर कराते हैं। सो थैंक यू सो मच।